हाय फ्रेंड्स, एनएसटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो उसमें मैं ऐसी फैसिलिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिससे कुछ कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ इनवॉइस को होल्ड पे रखना है और उसके आगे का इनवॉइस आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको जो इनवॉइस है बिना आइटम बिना क्वांटिटी बिना रेट के अगर आपको एंट्री करना है तो टेली में इसके लिए आप क्या किस तरीके से उसका फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो और आपका बिना आइटम और बिना क्वांटिटी के किस तरीके से वो इनवॉइस सेव होगा, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इस इनवॉइस को देखो, मैंने यहाँ पे कुछ भी आइटम लेजर वगैरह आइटम क्वांटिटी कुछ भी नहीं लिया है। मैं यहाँ पे अगर उसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है नो एंट्रीज इन वाउचर, मतलब वो सेव नहीं होने दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा 4 और 5 इनवॉइस छोड़ के मुझे 6 नंबर का इनवॉइस बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? या तो मैं किसी आइटम का अगर एंट्री तो मैं करना नहीं चाहता हूँ, जब भी वो एंट्री फिर मैं बाद में करूँगा तब मैं इसको मैं एडिट करूँगा, बट मुझे बिना आइटम और बिना क्वांटिटी बिना रेट के जो इनवॉइस को सेव करना है तो उसके लिए टेली के अंदर क्या चीज़ फैसिलिटी है, किस तरीके से कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, F11 फीचर्स में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको आपको यस कर देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको अभी कंट्रोल ऐसे से करता हूँ, देखो ये मेरा इनवॉइस सेव हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बट मेरा इनवॉइस सेव है। अगर मैं यहाँ से आगे अगर मैं इनवॉइस बनाना चाहता हूँ तो मेरा 5 नंबर का इनवॉइस बन जाएगा। अगर इसको भी मैं बिना आइटम के सेव करना चाहता हूँ सेव कर सकता हूँ, 6 नंबर का इनवॉइस मैं बना रहा हूँ। देखो ये मेरा इनवॉइस बन गया। अभी मैं अगर सेल्स रजिस्टर में जाके मेरे जो आगे के 2 इनवॉइस थे जिसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अल्टर वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं उसको फिर अल्टर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जब भी आप किसी इनवॉइस को होल्ड पे रखना चाहते हो बिना आइटम बिना क्वांटिटी का, अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तो उसका आगे का इनवॉइस बनाना चाहते हो तो इस फैसिलिटी का आप टेली के अंदर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये ऑप्शन है जो डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं रहता, यस नहीं रहता है, तो आपको मैन्युअली उसको एक बार यस करना पड़ता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आपको यही चीज़ गाइड करना चाहता था, तो बहुत सारे यूज़र के इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो आप और मेरे चैनल से अगर आप और भी चीज़ नई चीज़ सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।